अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज KSE 100 इंडेक्स की बात की जाए तो मार्केट आज तकरीबन 324 पॉइंट माइनस के साथ बंद रही और 43,786 की सतह पर मार्केट की क्लोजिंग आई। मार्केट में वॉल्यूम्स की बात की जाए 68 मिलियन के लगे, जो कि उतने अच्छे वॉल्यूम नहीं है, लेकिन कल के निस्बतन मार्केट में वॉल्यूम्स में कुछ इजाफा हुआ है। इसी के साथ KSE ऑल शेयर की भी वॉल्यूम्स की बात की जाए तो वो भी 140 मिलियन लगे, जो कि कल के निस्बत ज़्यादा है, लेकिन एज सच बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स नहीं है। वैल्यू उनकी 5 अरब के करीब बनता है, और जहाँ कल तकरीबन 4.25 बिलियन था, आज तकरीबन आप समझ लीजिए 5 बिलियन के करीब उनकी वैल्यू हुई है। मार्केट ने अगर आज बात की जाए तो मार्केट की ओपनिंग काफ़ी पॉजिटिव हुई थी, और मार्केट ने हाई लगाया 44,349 का, और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ रवाना हुई और चलते 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 स्टेप बाय स्टेप आहिस्ता आहिस्ता गिरती रही। मार्केट में ज़्यादा देर हमने पॉजिटिविटी नहीं देखी, थोड़ी देर शुरू का हम लोग को पॉजिटिविटी देखने को मिली, लेकिन जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा मार्केट पे नीचे की तरफ चलती चली गई। कल की वीडियो में आप लोगों को एक खास चीज़ बताई गई थी कि मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन वो ट्रेंड पॉजिटिव काफ़ी वीक है, इसलिए आपने मैक्सिमम हाई साइड पर प्रॉफिट बुकिंग करनी है। कल की वीडियो में आप लोगों को बताया गया था, इवन आपको ये भी बताया गया था अगर मार्केट 44,000 का लेवल ब्रेक करती है तो आपने इधर से एग्जिट कर जाना है, ये भी आपको इधर बताया गया था। 44,050 का वो कुछ ऐसा लेवल बन रहा था जो आप लोगों को बताया गया था, और हमने वही देखा, वो लेवल ब्रेक हुआ, फिर उसके बाद इंडेक्स उधर से करीबन 300 पॉइंट नीचे चला गया। टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात की जाए तो GGL पॉजिटिव परफॉर्म करता रहा, पाक इलेक्ट्रॉन हम लोगों को अच्छा परफॉर्म करता हुआ नज़र आया, 9 मिलियन के वॉल्यूम्स भी लगे, और स्टिल ये हम लोगों को इसमें 1.27 का गेन भी देखने को मिला। के इलेक्ट्रिक में अच्छे वॉल्यूम आए, 1 पैसा उसने लॉस किया। टेली कार्ड 14.45 रुपीज़ पे खड़ा रहा, ये भी काफ़ी हाई साइड पे गया था, काफ़ी तो नहीं, थोड़ा हाई साइड पे गया, फिर इसमें भी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। GGL और GGL हम ये देख रहे हैं, इसमें एक अच्छी पॉजिटिविटी बन रही है। WTL में भी आज अच्छी खासी नेगेटिविटी हम लोग ने देखी। उसके अलावा WTL के बाद है TPLP की अगर बात कर ली जाए तो TPLP भी स्लाइड से नेगेटिव परफॉर्म करता रहा। ISL भी ISL अच्छा खासा नेगेटिव परफॉर्म करता रहा। सिनर्जी भी हम लोगों को एक इसमें भी डाउनवर्ड की मूव देखने को मिली, और EPCL में आज हम लोग को एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला। इसे भी इंशाल्लाह स्टॉक्स को आखिर में एनालाइज करेंगे हम लोग। तो ये कि स्टॉक्स के हवाले से बात की जाए तो आज मार्केट में कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रही। सीमेंट सेक्टर में कंटिन्यू प्रेशर हम लोग को देखने को मिला, स्टील सेक्टर भी प्रेशर में रहा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में कोल प्राइसेस भी हाई साइड पे जा रही है। इंटरनेशनल मार्केट की बात कर ही रहे हैं तो फिर हम आ जाते हैं क्रूड ऑयल की तरफ, और क्रूड ऑयल की सबसे पहले बात की जाए तो सबसे पहले हम कोल प्राइसेस देख लेते हैं। तो कोल प्राइसेस आप देख सकते हैं 295 पे ट्रेड कर रही हैं, जो कि अब भी एक हाई साइड है। उसके अलावा अगर ऑयल की बात की जाए तो कल 103 के पास जाने के बाद इसमें हमने एक अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग देखी, और अभी ये फ़िलहाल 97 के पास ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। इंडिया की मार्केट की अगर सब बात की जाए तो आज इंडिया की मार्केट भी तकरीबन 1% के साथ डाउन रही। हमने देखा इंटरनेशनल लेवल पे प्रेशर रहा, तकरीबन तमाम मार्केटें आपकी डाउन साइड पे चल रही थी। अब आ जाते हैं टेक्निकल चार्ट पे और इंडेक्स में एनालाइज करते हैं। देखिए आज की अगर कैंडल देखेंगे तो सबसे पहले तो वॉल्यूम्स में एक अच्छा इजाफा हुआ, 2 दिन के पिछले वॉल्यूम्स को मार्केट ने बीट किया है। मार्केट में कैंडल इंतहाई प्रेशर वाली बनी है, ऊपर एक तो इसने विक भी छोड़ी है, उसके बाद अपने लो के पास क्लोजिंग दी है इसने, ये काफ़ी नेगेटिव बात है। उसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो मार्केट में जिस तरीके की प्रेशर है ये दिख रहा है कि मार्केट जो भी पहली बार, मतलब कि पहले अगर हम देखें तो मार्केट 43,900 के लेवल के पास बंद हो रही थी, लेकिन आज मार्केट ने उस लेवल को भी ब्रेकआउट किया और उसके भी नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दी है, तो ये काफ़ी नेगेटिव बात है डेली टाइम फ्रेम के अंदर। डेली टाइम फ्रेम अगर हम RSI को एनालाइज़ करें तो RSI फ़िलहाल 46 पे चल रहा है, थोड़ा सा स्लाइट मूव है, क्योंकि डेली के टाइम फ्रेम में स्लाइट मूव्स मिलती है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम की बात कर ली जाए अगर तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में सबसे पहली चीज़ ये कि RSI वंस अगेन ओवरसोल्ड पोजीशन में दाखिल होता हुआ नज़र आ रहा है। मोर ओवर अगर हम वेव्स को चल कर देखते हैं कि मार्केट कैसे पैटर्न से चल रही है,
तो वही एक बात, जो मार्केट ने एक लो लगाया था 43,882 के पास, बल्कि हम इधर से चलते हैं तकरीबन 43,784 के पास, जो मार्केट ने लो लगाया था उधर से मार्केट एक बाउंस बैक हुई और 44,280 तक गई। उसके बाद हमने मार्केट में वंस अगेन एक प्रॉफिट टेकिंग देखी और तकरीबन 100% के करीब करेक्ट हो गई, और 43,850 वो विक को अगर मैं हटा दूँ तो तकरीबन 100% मार्केट ने करेक्ट किया और 43,850 के पास से सपोर्ट ली और फिर जारी हो गई अप मूव के लिए। अब चूंकि ये मार्केट अपने लो के थोड़ा ही ऊपर बंद हुई थी, इसलिए ये अपने हाई के भी थोड़ा ही ऊपर गई, और हमने देखा थोड़ा ही ऊपर जाने के बाद 43,072 के लेवल से इसमें भी हमने रिजेक्शन देखा। फिर इसने आज हमें एक अटेम्प्ट दी, जैसे मैंने आप लोग को कल बताया था 44,000 एक अच्छा लेवल है, उम्मीद है कि इधर से वंस अगेन हाई साइड पर जाएगा, लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट बुकिंग करनी क्योंकि ट्रेंड आपका वीक है। अच्छा, अगर चाहिए इधर से 43,872 को ब्रेक कर देता तो चूंकि इसका हाई भी ऊपर था और फिर इसके बाद एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल आ रही थी, तो इधर से आपको एक बड़ी रैली दिख जाती आज के दिन में, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो सका क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल हो रहा था और इंडेक्स इस अपने हाई को ब्रेक नहीं कर पाई, जिसकी वजह से इंडेक्स का ट्रेंड हो गया डाउन ट्रेंड, और फिर मार्केट ने अपने इस लो को ब्रेक किया, जो अभी मार्केट ने शुरू में अभी अपना एक लो लगा लिया था 44,000 को, उसको जैसे ही ब्रेक किया मार्केट चेज करने लग गई अपने प्रीवियस लोस को। और अगर हम बिग उसमें देखें तो ये अगर लो है और ये हाई है और ये पिछला हाई है, तो मार्केट चूंकि अपने प्रीवियस हाई के पास गई है, उससे थोड़ा ऊपर गई, तो हम उम्मीद यही करते हैं कि मार्केट इस लो से, जो अपने लो जिसने लगाए हुए 832 का, उससे ज़्यादा नीचे ना जाए और एक बाउंस बैक हम लोग को दिख जाए। तो होपफुली थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर मैं सिंपल जबान में बोलूँ तो ये कि मार्केट के अंदर अब भी गुंजाइश है, अगर थोड़ी नीचे जाती है तो बाउंस बैक कर जाए। आपको मैं एक ये चीज़ बता देना चाहता हूँ, डेली के टाइम फ्रेम में हमारे पास अब सिर्फ दो सपोर्टें बची है, और दो क्या, मैं तो सिर्फ एक ही सपोर्ट मानता हूँ, और वो कौन सी है, 43,000 की सिर्फ। बीच में एक और सपोर्ट है जिसकी एक इम्पैक्ट है, लेकिन वो माइनर इम्पैक्ट देगा, वो है तकरीबन आप समझ लीजिए 43,450 के पास। ये डेली के टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ, अगर मार्केट उसके नीचे जाती तो बाउंस बैक करने की एबिलिटी रखेगी, लेकिन जिस हिसाब का प्रेशर चल रहा है तो आप मार्केट का जो बिग लेवल आ रहा है वो 43,000 का पहला सपोर्ट लेवल आ रहा है डेली टाइम फ्रेम में। अभी मैं आपको शॉर्ट टाइम के फ्रेम के हिसाब से भी आपको स्टॉक्स देता हूँ। बिल्कुल अभी अगर इंडेक्स की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बिग बात कर ली जाए तो पहला सपोर्ट लेवल 43,600 से 650 के दरमियान में आएगा, बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है। हो सकता है अगर इधर मार्केट थोड़ा रुकती है स्टॉप लॉस के साथ, इधर बाइंग एंट्री का सोचा जा सकता है, लेकिन स्टिल इंकरेज मैं नहीं कर रहा। मार्केट का बिग रेजिस्टेंस लेवल 44,400 है, जहाँ पे बीच में जो रेजिस्टेंस लेवल आएंगे वो होंगे, पहला अगर आप लेवल देख रहे हो तो 44,050 का सवाल लीजिए, वही लेवल है, एक अच्छा लेवल है, इसके ऊपर सस्टेन करना मार्केट के लिए कुछ बेहतरी दिखा सकता है। जहाँ पे दूसरा रेजिस्टेंस लेवल 44,200 के पास आएगा, 50 के पास है 200, और उसके बाद मार्केट का जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल आएगा वो 300 का आएगा, इस रेजिस्टेंस लेवल के बाद 400 का रहेगा। ये मैं आपको ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में प्रिसाइज लेवल्स बता रहा हूँ। उम्मीद मार्केट के अंदर थोड़ी बेहतरी आपको कब देखने को मिलेगी, 44,200 के ब्रेक होने के बाद स्लाइड बेहतरी दिखेगी, लेकिन स्टूडेंट मार्केट में उस तरीके की आपको अपमूव नहीं दिख सकती अभी फिलहाल, जब तक मार्केट की कुछ सूरत हाल बेहतर नहीं हो जाती। सपोर्ट लेवल में 600 से 650 बेहतरीन सपोर्ट लेवल है, दूसरा सपोर्ट लेवल 400 से 450 का है, और जो तीसरा आपका सपोर्ट लेवल आ रहा है वो 43,200 का आ रहा है। अगर मैं इधर लिख दूँ आप लोगों के लिए सपोर्ट्स लेवल, तो हम राउंड फिगर में लिखता हूँ मैं 43,600, दूसरा आएगा 43,400, नेक्स्ट आएगा 43,200, फिर आपका 43,000, और फिर 40, वो इतना बहुत है, वरना तो 42,700-800 का हमारे पास लेवल है ही है। अब अगर आप लोग के लिए रेजिस्टेंस लेवल मैं इधर लिख दूँ, तो जो आप लोग के लिए रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे, पहला होगा 44,000 का राउंड फिगर में, वैसे 44,050 के पास बनता है 44,200। अब ये जो है ना 44,300, ये माइनर है, 44,000 है मेन है, 44,200 और 44,300 माइनर रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है ना, इससे कोई बहुत बड़ी बेहतरी नहीं आएगी। फिर मेजर आ जाएगा 44,400 या 450, आप समझ लीजिए। ये है आप लोगों को बता दूँ, उधर सिर्फ दो मेन है, कौन से दो मेन है, 44,000 और 44,400, ये दोनों ऐसे 44,050 और 44,450 के पास बनता है।
बीच में 44,200 और 300 ये माइनर रेजिस्टेंस लेवल है, इससे कोई बड़ी मूव नहीं दिखेगी आपको, लेकिन स्टिल कुछ बेहतरी दिख सकती है। तो ये आप लोग के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है। 650 बहुत अच्छा है, सपोर्ट लेवल 4 सब अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं, जहाँ पे 400 की इंपॉर्टेंस हाई है, 43,150 से 200 भी बेहतरीन लेवल्स हैं। देखिए स्ट्रेटेजी को डिस्कस किया जाए, डिप्स पे एक्यूमुलेशन अब भी करनी चाहिए, ठीक है ना। कल मैं स्टेलोन स्ट्रेंथ की बात कर रहा था, हर ऊपर मूव पे बेचना चाहिए, अब डिप्स पे आपने दे बाई करना चाहिए, क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड है, डाइवर्जेंस बनाने के मूड में चल रही है मार्केट। अभी जैसे ही डाइवर्जेंस मार्केट की कंप्लीट होगी, उसके बाद एक आप अप मूव देख पाएंगे, वो कहीं कहीं आप समझ सकते हैं लो साइड से। वंस अगेन मैं कहूँ तो 200 से 400 पॉइंट की आप लो साइड से बाउंस बैक देख पाएंगे मार्केट में, अगर मार्केट अपनी जब ये डाइवर्जेंस कंप्लीट करेगी तब की बात है ये। और आवर्ली टाइम फ्रेम में भी अगर मार्केट को देखा जाए तो अभी थोड़ी गुंजाइश बाकी है लो साइड पे आने की, ठीक है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा थोड़ा संभल संभल के कीजिए, लेकिन मार्केट में डिप्स पे एक्यूमुलेशन अभी मेरे हिसाब से बेस्ट आप लोग के लिए स्ट्रैटेजी रहेगी। अब कुछ स्टॉक्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास स्टॉक आ रहा है वो है EPCL। आज EPCL में हमने देखा एक अच्छा बड़ा डाउनफॉल आया, 15 मिनट का मैं टाइम फ्रेम एनालाइज कर रहा हूँ। हमने जैसे देखा ई फर्टिलाइजर जो था, एंग्रो फर्टिलाइजर, वो कैसे ऊपर जाता रहा, स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाता रहा। अभी मैं टाइम नहीं इन दोनों को कंपेयर करूँ, वरना एक लंबा हो जाता है टाइम। तो अभी ये क्या, फिलहाल इसके जो सपोर्ट लेवल है वो 7250 और 70 अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं। इसे डिप्स पे एक्यूमुलेट करना चाहिए, क्योंकि एक ये वाहिद स्टॉक्स है उनमें से जो अभी अप ट्रेंड में चल रहे हैं। इनको आप लेकर लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं। अब तो खैर बहुत ऊपर चलेगा, काफ़ी ऊपर जा चुका है, लेकिन ये वो उन स्टॉक्स में से जिनकी अब कदर मार्केट को हो रही है। ये स्टॉक्स बहुत अच्छा डिविडेंड देते हैं, इसकी अर्निंग के हिसाब से अब भी मैं इसे सस्ता ही समझता हूँ। इसकी जो अर्निंग्स आई थी 16 रुपये और उसे 5.50 रुपये डिविडेंड दिया, वो आउटस्टैंडिंग था, मेरे नज़दीक आउटस्टैंडिंग था। डिविडेंड तो वैसे देता है, लेकिन ये कि अभी भी इसके अंदर बहुत अच्छी ये डिप्स पे एक्यूमुलेट करना चाहिए। 70s का अच्छा लेवल है, जहाँ पे अगर आप कोशिश कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए 50% अभी इन्वेस्ट कर लीजिए, ठीक है ना। जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे 50% अभी, और 50% अगर ये कभी किसी दिन बड़ी डिप ले लेता है, 64 के पास आ जाता है जब के लिए, ठीक है ना। क्योंकि जैसे हमने देखा एग्रो फर्टिलाइजर 70 से फिर 90-94 तक चला गया, उससे कोई बीच में बहुत बड़ी डिप नहीं ली, और बीच में डिविडेंड अलग देता रहा। 7250 और 70 अच्छे सपोर्ट लेवल्स है। अभी RSI के हवाले से बात कर ली जाए, RSI आपको इधर दिखा दूँ, काफ़ी ओवरबॉट होने के बाद अभी अच्छा खासा RSI डिस्काउंट हो चुका है, ठीक है, अच्छा खासा डिस्काउंट हो जा चुका है। आवर्ली टाइम फ्रेम में हाईली ओवरबॉट अब भी चल रहा है, इसलिए यही कह आप लोगों को कह रहा हूँ, कुछ अभी इन्वेस्ट कर लीजिए, कुछ बाद में इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन इसके सपोर्ट लेवल्स बेसिकली मैं कोई बाइंग का ना कोई सेलिंग की, मैं अपना सिर्फ एनालाइज आप लोग के सामने, एनालिसिस जो है वो आप लोग के सामने रख रहा हूँ। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास MTL, मिलर ट्रैक्टर को अगर देखा जाए तो मिलर ट्रैक्टर एक रेंज के अंदर परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है। वो रेंज तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 880 है और 860 है, ठीक है ना। अब एक चीज़ समझ में आ गई, 860 आ रहे तो 880 जा रहे हैं, तो अगर आपको वापसी 860 के पास मिले तो ले लीजिएगा, 880 टारगेट आप लोग रख लीजिएगा, इजीली दे जाएगा बीच वाला 870 भी अच्छा लेवल है। तो ये टेक्निक के साथ चले, हाँ, लेकिन अभी ये क्या है, जिस हिसाब से सपोर्ट ले रहा है, और मान लीजिए अब ये 880 को ब्रेक करता हुआ नज़र आ रहा है काफ़ी हद तक, ठीक है ना। फिलहाल अभी एक्यूमुलेशन फेज में अगर ये 880 को ब्रेक करता है तो मज़ीद बेहतरी की तरफ ही जा सकता है, और फिर ये आप समझ लीजिए तकरीबन तकरीबन ये आपको 880 के बाद इसमें 909 का एक लेवल आएगा, और अगर वो 909 ब्रेक कर देता है तो फिर आप शार्प अप रिकवरी भी देख पाएंगे। तो ये अच्छा है, लॉन्ग टर्म के हवाले से भी अच्छा है, लेकिन ये कि ये भी एक उन स्टॉक्स में जो अभी भी अप ट्रेंड में जो मार्केट का लेस इम्पैक्ट ले रहे, जो अच्छे स्टॉक्स हैं, ठीक है, तो ये भी अच्छा है। इधर डिप्स पे से भी देख सकते हैं, जो लेवल्स आप लोग बताएं उनके साथ काम कीजिए। 902-908 इसका रेजिस्टेंस लेवल फिर बाद में आएगा, ठीक है। अब चलते हैं आप लोग के कमेंट्स की तरफ। तो जो हमारे पास कमेंट है वो है सर इरम ने कहा है कि सर गिव योर प्रेशियस एनालिसिस ऑन NML। जी देखिए NML की अगर बात कर ली जाए तो बेसिकली NML क्या है, बहुत अच्छा स्टॉक है, ठीक है ना। अगर आप लोग मेरे वन फेवरेट स्टॉक्स की बात करते हैं ना, अक्सर लोग पूछते हैं, तो NML को मैं नहीं डालता, लेकिन NCL को ज़रूर डालता हूँ, ठीक है ना। NML निशात मिल, निशात चुनियन को मैं ज़रूर डालता हूँ अपने फेवरेट स्टॉक्स के अंदर। लोग मेरे से अक्सर आप लोग कमेंट करते हैं, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता डिस्क्लोज करता रहता हूँ, जैसे जैसे आप लोग भी ये कमेंट करते रहते हैं।
नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट शेयर्स है एनएमएल, नो डाउट, ठीक है, और ये जिस लेवल पे वन ऑफ द बेस्ट लेवल्स है लॉन्ग टर्म के लिए. एनएमएल एनसीएल बहुत अच्छा है, एनसीएल भी बहुत अच्छा है, ये भी डिविडेंड देता आया, एनसीएल भी बहुत अच्छा डिविडेंड देता है. अगर एनएमएल की अगर बात कर ली जाए तो एनएमएल भी वैसे मेरा बहुत अच्छा स्टॉक है, क्योंकि मैं सच फेवरेट लिस्ट में नहीं डालता, दोनों बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं. 8250 या 82 का लेवल इंतहा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल आप समझ लीजिए इसका है, पहले भी इससे सपोर्ट ले चुका है, पे सपोर्ट रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं इस लाइन से इसकी कैसी इंपॉर्टेंस है. 82 का पहला लेवल है, फिर नेक्स्ट लेवल आएगा 7850 का. 81 भी है, 80.5 81 भी है, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस कम है, वही बात है कम है इंपॉर्टेंस, लेकिन 7850 आपका नेक्स्ट लेवल आएगा. 7850 के बाद आपका 7586, इधर मैं समझता हूँ इसे लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए, तेज़ी तो इसमें आपको अभी नहीं दिख सकती जब तक 87 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग ना दे दे, इसके ऊपर कोई तेज़ी नहीं आएगी, जो आएगी वो रिकवरी होगी. आवर्ली टाइम फ्रेम अगर हम इसे देख रहे तो एनएमएल बेसिकली आप देख सकते हो सपोर्ट, इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है 8450 और 8660 आपके रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे एनएमएल के लिए. आपको लेवल्स बता दिए गए, इन हिसाब से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं. फिलहाल अगर मेरा व्यू जाने तो देखिए जो इसका लेवल है 8250, अगर ये इसे सस्टेन रखता है तो फिर आपको मजीद हाई साइड की तरफ भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है. मजीद के हाई साइड के मतलब 87 के क्रॉस 90 प्लस भी जाते हुए फिर दिखाई दे सकता है, लेकिन उस तरीके के भी सूरत हाल नहीं, अभी ये प्रेशर में दिख रहा है. RSI भी ओवरबॉट है, अगर ये ओवर मतलब कि अच्छी है डिप्स पे से आप बिल्कुल देख सकते हैं NML को. मेरा मकसद ये इसे आप ट्रेडिंग के हवाले से भी अच्छा ही शेयर, लेकिन लॉन्ग टर्म के हवाले से या पोजिशनल ट्रेड के हवाले से ये बहुत अच्छा साबित हुआ है. अभी अगर इसका शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव ट्रेंड है इसका सपोर्ट लेवल, अगर आपको ट्रेंड लाइन भी अगर इसके सब ड्रॉ करके देखो, लेवल्स आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मैं क्लियर कर रहा हूँ, तो देख लीजिए इसका जो ट्रेंड लाइन है, तो ये इसका बेसिकली ट्रेंड लाइन है, तो ये इसकी ट्रेंड तो फिलहाल पॉजिटिव चल रहा है, ठीक है, तो इसके होपफुली इतना सही है आप लोग के लिए, आप लोग को एनालाइज कर दिया. अब नेक्स्ट कॉमेंट की तरफ चलते हैं, वो है तो उज़मा खुर्शीद ने कहा अल्लाह आपको हमेशा बहुत खुश रखे, आपकी हेल्प से हमको बहुत मदद मिलती है, वेरी थैंकफुल टू यू, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल एनालिसिस, फॉर योर वैल्यूएबल कॉमेंट्स. उसके अलावा तो ये हमारे हाईएस्ट तकरीबन वन ऑफ द हाईएस्ट कमेंटेटर भी बन चुकी है. नेक्स्ट जो स्टॉक है वो मैं देखिए कुछ पिक कर रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं मेरे पास, आप लोग वापसी कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोग के वापसी भी कर दूंगा. तो ये है कि WTL के ऊपर रिव्यू, मैं टॉप स्टॉक्स को आप पिक कर रहा हूँ क्योंकि अभी टाइम नहीं, आप लोग वापसी कमेंट कर दीजिएगा, मैं वापसी आप लोग एनालाइज कर दूंगा. तो ये है WTL. देखिए WTL की बात कर ली जाए तो WTL है एक डाउन ट्रेंड के अंदर, ये ट्रेडिंग के हवाले से भी अच्छा साबित होता है WTL. अब देखिए WTL के जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल है, मैं बता दूँ 1.68 इसका पहला रेजिस्टेंस लेवल है, दूसरा 1.74, सपोर्ट लेवल 1.63 और 1.59 है. अगर ची 1.59 को बरकरार रखता है तो फिर तो आप इसमें लॉन्ग ट्रेड भी ले सकते हैं तकरीबन 1.8 से 1.9 तक की, लेकिन अगर वो 1.59 ब्रेक करता है तो फिर इसका जो लेवल आएगा वो होगा तकरीबन डायरेक्ट 1.45, ठीक है. अभी मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट टर्म में, क्योंकि जाहिर सी बात एक शॉर्ट टर्म स्टॉक, ये इसकी मूव वैसी काफ़ी लिमिटेड होती है, 5 पैसे की मूव भी इसमें एक अच्छा गेन हो जाता है. उसके अलावा अगर ये जो इसके मेन रेजिस्टेंस लेवल की बात की जाए 1.91 और 2.2 है, अगर बिग लेवल के हिसाब से उसे देखा जाए तो इससे एक ये भी चीज़ हम लोग को देखने को मिलती है कि अब ये जो इसका प्रीवियस लो था ये उस लो से काफ़ी करीब है, बहुत नीचे ये लो नहीं लगा, तो इस हिसाब से तो 1. जैसे ये 2.2 2.1 भी इसमें अचीव होता हुआ नज़र आता है अगर ये अपना 1.4 का लेवल 1.45 का लेवल ब्रेक नहीं कर देता, ठीक है. WTL के हवाले से इतना ही है, मैं WTL को कभी यूँ रिकमेंड नहीं करता ऐसे मतलब लॉन्ग टर्म के लिए कुछ लेकर रख लिए तो सही है, वरना इस पर कम वॉल्यूम के साथ ट्रेड करनी चाहिए, ये फंसा देता है. अभी के लेवल इसके खैर काफ़ी अट्रैक्टिव है. नेक्स्ट जो कॉमेंट है वो है, कल की वीडियो पर भी आया था, वलीद ज़िया ने कहा था PMI पर रिव्यू दे, तो पाकिस्तान प्रूडेंशियल मुदारबा है, आई होप सो ये वाला शेयर मैंने जी, तो प्रूडेंशियल मुदारबा जी, इसके अगर देखिए ये जो स्टॉक है ना, इस स्टॉक में आप जो बिग लेवल है कोई सब लेना चाहता है तो वो उसे ले 1.20 रुपये के पास, या फिर 1.70 रुपये के पास, ठीक है, 1.70 रुपये के पास उसका माइंड सेट होना चाहिए, इधर आए तो बाई करो, नहीं आता रहने दे, कोई ज़रूरी नहीं है आपको काम करना है स्टॉक में, ठीक है ना. मैं रिकम कोई न्यू खरीदना चाहता है, मैं तो सिर्फ मैं अपनी एनालिसिस बता रहा हूँ,
1 रुपये या 70 पैसे के बाद इसे बाय करना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट मूव के हिसाब से अगर बात की जाए तो ये अपना हाई फिलहाल इसने ब्रेक किया है, इसके जो सपोर्ट लेवल्स आ रहे हैं इसने अच्छी खासी अभी करेक्शन भी ली है। जो सपोर्ट लेवल्स आ रहे हैं 1.76 आ रहे हैं, अभी तो बेसिकली 1.5 भी अचीव होता हुआ नज़र आ रहा है। ये वैसे ही एक लो वॉल्यूम स्टॉक है, तो आप ले लेंगे तो बेचना थोड़ा कभी कभार मुश्किल हो जाता है, कभी कभार इसमें वॉल्यूम्स आ जाते तो आ जाते, ठीक है ना। तो ज़्यादा ज़्यादा ले तो 10-20 हज़ार से ज़्यादा मैं नहीं समझता इसमें लेना चाहिए, ठीक है। और वो भी ये 1 रुपये 70 पैसे के पास ऐसे लेना चाहिए, 1 रुपये या एक या फिर 70 पैसे के पास खाली उधर लेना चाहिए। सपोर्ट लेवल अब भी मैंने आपके सामने लिख दिया है, रेजिस्टेंस लेवल भी लिख दिया है, 2.66 इसका अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है। ये सब बाकी आपको सामने लिख दिया लेवल, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इसी के साथ जैसा चाहता हूँ, मैं हूँ हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।